एक कत्ल होता है। कातिल पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल को अंजाम देता है। पुलिस कातिल को पकड़ लेती है। कातिल कत्ल के मकसद को लेकर पुलिस को गुमराह करता रहता है। कत्ल का मकसद जानने के लिए पुलिस आरोपी को कोर्ट से एक नहीं दो बार रिमांड पर लेती है। आरोपी उम्रदराज और बीमारियों से ग्रस्त था, इस वजह से पुलिस आरोपी को थर्ड डिग्री देने से डर रही थी। फिर भी पुलिस ने आरोपी से अपने स्तर पर कत्ल का मकसद जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपी कत्ल के मकसद के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। मकान नंबर 640 सेक्टर 37 निवासी 67 वर्षीय बिल्डर जुगल किशोर 1 जून को अपनी ब्रेजा कार नंबर HR 5180444 से घर से निकले थे, लेकिन शाम तक नहीं लौटे। अगले दिन लापता बिल्डर जुगल किशोर के बेटे मनोज गोयल ने अपने नजदीकी थाना सराय ख्वाजा में अपने पिता की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना सराय ख्वाजा पुलिस ने बिना देरी किए मुकदमा नंबर 131 धारा 346 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने क्राइम ब्रांच DLF को बिल्डर को तलाश करने की जिम्मेवारी सौंपी, जिसके तहत कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच DLF प्रभारी उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SI समंदर सिंह, SI विजय, नकुल, सुनील और रोशन की एक टीम बनाई। जांच अधिकारी समंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर तुरंत CCTV फुटेज, मोबाइल सर्विलांस, कॉल रिकॉर्ड और तकनीकी टेक्नोलॉजी के साथ मुखबिरों की मदद ली। क्राइम ब्रांच टीम ने लापता बिल्डर जुगल किशोर से जुड़े लगभग सभी लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को अशोका एनक्लेव फरीदाबाद निवासी अजय और महिपालपुर नई दिल्ली निवासी पीटर उर्फ जोन नाम के दो सस्पेक्ट मिले। क्राइम ब्रांच DLF ने दोनों को हिरासत लेकर पूछताछ की तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। आरोपियों ने बिल्डर का अपहरण कर उसकी हत्या करने की बात कबूल की। पहला आरोपी 60 वर्षीय अजय अशोका एनक्लेव फरीदाबाद में रहता है और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। आरोपी की लड़कियां काफी पढ़ी लिखी है और LLB की पढ़ाई कर रही है। आरोपी बिल्डर जुगल किशोर के मकान में 20 साल तक किराए पर रहा था। दूसरा आरोपी पीटर उर्फ जॉन नई दिल्ली महिपालपुर का रहने वाला है और नोएडा में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। आरोपी अजय ने पीटर उर्फ जॉन को पैसे का लालच देकर इस कत्ल में शामिल किया था। मास्टरमाइंड आरोपी अजय ने क्राइम ब्रांच को बताया कि किसी डील के चक्कर में बिल्डर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी ने बताया कि बिल्डर जुगल किशोर की हत्या की योजना उसने पहले से ही बना रखी थी। योजना अनुसार आरोपी अजय ने पैसों का लालच देकर पीटर उर्फ जॉन को अपने साथ मिलाया था। पीटर उर्फ जॉन बिल्डर जुगल किशोर को पहले से नहीं जानता था। 1 जून को आरोपी अजय अपने साथी पीटर उर्फ जॉन के साथ बिल्डर जुगल किशोर को उनकी ब्रेजा कार से ही किसी डील के बहाने में लेकर गए। मौका मिलते ही अजय के इशारे पर पीटर उर्फ जॉन ने बिल्डर जुगल किशोर का मुंह दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव गंग नहर में ठिकाने लगा दिया। शव ठिकाने लगाने के बाद दोनों आरोपी मृतक बिल्डर जुगल किशोर की ब्रेजा कार से ही वापस दिल्ली लौट आए और कार को अमर कॉलोनी में एक इंस्टीट्यूट के पास छिपा दी। आरोपियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर खतौली थाना प्रबंधक से संपर्क स्थापित करके बिल्डर के शव को बरामद कर लिया। गायब बिल्डर के बेटे मनोज गोयल ने अपने पिता के शव की पहचान कर ली है। आरोपियों के अनुसार उन्होंने हत्या उसी दिन कर दी थी। इसके साथ ही आरोपियों के निशानदेही पर दिल्ली से ब्रेजा कार को भी बरामद कर लिया। आरोपी अजय द्वारा बताया गया हत्या के मकसद पर क्राइम ब्रांच DLF को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा, जिसमें मामले में आरोपियों से गहनता से पूछताछ करके हत्या के असली कारणों का पता लगाया जा सके। आरोपी अजय उम्रदराज और बीमारियों से ग्रस्त था, इस वजह से पुलिस आरोपी को थर्ड डिग्री देने से डर रही थी। दूसरा आरोपी पीटर उर्फ जॉन पैसे के लिए इस हत्या में शामिल हुआ था, उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आरोपी अजय बिल्डर जुगल किशोर की हत्या किस वजह से करना चाहता था। 3 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से हत्या की असली वजह जानने के लिए अदालत से आरोपियों का 2 दिन का और रिमांड मांगा। इस 2 दिन के रिमांड में भी आरोपी अजय हत्या के मकसद पर क्राइम ब्रांच को गुमराह करता रहा। हत्या का मास्टरमाइंड अजय ने अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं किया है। मास्टरमाइंड अजय ने हत्या की फुल प्रूफ योजना बना रखी थी और उसे लगता था कि हत्या करने के बाद पुलिस की रडार में नहीं आएगा, लेकिन क्राइम ब्रांच DLF के तेज तरार प्रभारी उप निरीक्षक अनिल कुमार व इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SI समंदर सिंह की पारखी नजरों से बच न सका। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।